बेगूसराय के पंचायत चुनाव से जुड़ी एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है, जहां अचानक मतदान केंद्र पर उस समय अजीब गरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब वोट डालने मतदान केंद्र पर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त मतदाता को लेकर उसके बड़े भाई पहुंच गए। इस बात की भनक लगते ही मतदान केंद्र पर नियुक्त चुनाव कर्मी के हाथ पांव फूल गए। मामला पांचवें चरण के पंचायत चुनाव के दौरान बखरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हेमनपुर मतदान केंद्र की है। मानसिक तौर पर विक्षिप्त वोटर हेमनपुर गांव के वार्ड संख्या 5 के रहने वाले रामचंद्र सदा का लगभग 24 वर्षीय पुत्र मोहन सदा की है। मृत के भाई श्याम सुंदर सदा ने बताया कि उसका भाई बीते लगभग 15 वर्षों से मानसिक तौर पर बीमार चल रहा है। वो अपने भाई को मताधिकार का प्रयोग कराने उत्क्रमित मध्य विद्यालय हेमनपुर आया था। वहीं मतदान के संबंध में पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट ने बताया कि अधिकारी को इस मामले की सूचना दे दी गई है। जैसा आदेश मिलता है वैसा कदम उठाया जाएगा। वहीं इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि मामले संज्ञान में आए हैं। डीएम ने बताया कि अधिकारियों से जानकारी लेकर आवश्यक कदम उठाई जाएगी। फिलहाल मतदाता वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपने भाई के साथ डटे हुए थे। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। कहाँ आए हैं? वोट गिराई गया। कहाँ घर हुआ आपका? नाम क्या है? क्या नाम है? बिरज मोहन। और मतदाता कर्मी सर मैंने दिमाग सर डिस्टर्ब है, पागल सर है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। और हम उसका बड़ा भाई हैं, साथ में सर आए हैं। जहाँ डालने का होगा सर अपना डालेगा। वो आपके परिजन हैं? जी सर, मेरा भाई है। क्या नाम है उनका? मोहन सर। मोहन सदा जी। मोहन सदा कितना उम्र है उनका? उसका सर 25 है सर। 25। उनके पिताजी का नाम क्या है? रामचंद्र सदा। कहाँ घर हुआ? हेमंतपुर सर, 10 नंबर वार्ड। और कहाँ है आपका बूथ? बूथ सर सन। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर सदा। आप यहाँ पर क्या किस तरह की समस्या आ रही है आपको? समस्या सर कोई दिक्कत नहीं है, और मतदान कराने आए हैं, भाई है, कहीं कोई डिस्टर्ब किन्हीं से नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सर लोग कुछ कहेंगे तो उसके बाद में कहीं किसी प्रकार का प्रॉब्लम सर नहीं है। हेमंतपुर और आप संज्ञान में दिए हैं, हम लोग उसमें जानकारी लेके अधिकारी से आपसे कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। हम वोट गिराने आए हैं। कितने दिन से वो मानसिक रूप से बीमार है? वही ना, 15 साल की वो ये है, 15 साल हो ही रहा है। अच्छा। हाँ। तो आज कहाँ लेकर आया है? आज वोट गिरवाने। एक बात तो इसको भी देना है ना, क्यों हम लोग भी ड्यूटी, हम लोग को भी चुनाव ड्यूटी लगाया गया था, लेकिन इस बार नहीं लगा, प्रखंड में ही लगा है। इस बार यहाँ बूथ पे नहीं लगा, लेकिन प्रशिक्षण सब दे चुके हैं, लेकिन किस तरह का दिशा निर्देश जारी किया गया है? इस बूथ पर कैसे ये वोट डालेंगे, किसी तरह का कोई समस्या भी आपको सामने आ रही है? समस्या सर अभी तो वही है कि जो मानसिक है तो इसके साथ तो किसी को जाना ही पड़ेगा, इसको सिर्फ इशारा करेंगे अपना। तो बूथ पर कोई तरह का परेशानी? परेशानी सर अभी तो नहीं है ना बूथ पर कोई तरह का परेशानी। वोट गिराने दिया जा रहा है? हाँ, वोट। क्या नाम है आपका? निभा सदा, विकास मित्र मोहनपुर पंचायत। कौन है आप? देवर है। कोई संबंध में बता दिया गया है राजी ना सर, अपने विवेक से जो उचित उनको लगेगा वैसा वो कार्रवाई करेंगे। अगर वो अपने से मत देने के लायक होगा तो दिलवा देंगे, उसको कुछ मदद करना होगा तो छोटे बच्चे से मदद करवा देंगे, करके मतदान करा देंगे। ये राजी ना सर विवेक पर निर्भर है, उनको हम कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कविंद्र कुमार सिंह, हम मेरे पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट में है, बूथ नंबर 49 के, और ये केस बूथ नंबर 51 का। 15 साल किए हैं। इसके पूर्व कभी ये अपना मतदान का प्रयोग किए हैं या नहीं? इसी तरह कोई मैंने आते थे गार्जियन और साथ में मैंने कि मतदान किए हैं इसके पूर्व जी, पूर्व भी किए हैं।